नाज़रीन, नाखून कुतरने की आदत का आगाज आमतौर पर बचपन में हो जाता है। बहुत से लोग जिनकी आदत बचपन से होती है बिलाखिर इसमें इजाफा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उम्र भर की आदत बन जाती है जिसे छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। हम में से बेशतर ये सोच कर बड़े हुए कि अपने नाखून कुतरना एक बुरी आदत है जिसे हमें तर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन माहरीन इस आदत में मुब्तला अफराद की शख्सियत के बारे में चंद दिलचस्प हकायक भी बयान करते हैं। नंबर एक पर आती है बेहतरीन कारकर्दगी। नाज़रीन, तहकीक से साबित हुई है ये बात कि ऐसे अफराद जिनमें नाखून कुतरने की आदत पाई जाती है वो तौक़ात से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की सलाहियत रखते हैं। मुहक्किकीन ने एक सर्वे के दौरान चंद अफराद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इनमें से एक हिस्सा ऐसे अफराद पर मुश्तमिल था जो नाखून कुतरने की आदत में मुब्तला थे। माहरीन ने पाया कि आदत में मुब्तला अफराद अपने तमाम काम खुद से बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देते हैं और ये सलाहियत उनमें बहुत ज्यादा आसान तरीके से पाई जाती है। नाखून कुतरने वाले लोग जो होते हैं वो सोच से ज्यादा ज़हीन होते हैं। नाखून कुतरने की आदत में मुब्तला अफराद की खासियत ये भी होती है कि आम अफराद की तरह मामूल की रफ्तार से अपने काम सरंजाम नहीं देते, बल्कि गैर मामूली तेजी का मुजाहरा करते हुए वक्त से पहले ही अपने काम पाया तकमील तक पहुँचा देते। बहुत सारे लोगों में शदीद परेशानी के लम्हों के दौरान अपने नाखून कुतरने का रुझान होता है और इस वक्त वो किसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आता है बेसब्री और बोरियत और मायूसी नाखून कुतरने का सबब बनती है, और अगर ये एक बार आदत बन जाए तो जब भी आप बोर होते हैं या फिर किसी का शिद्दत से इंतजार करते हैं तो इस वक्त नाखून कुतरते हुए दिखाई देते, क्योंकि उस शख्स का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, तो जब तक वो आपके सामने नहीं आता आप अपने नाखून की उंगलियां कुतरते रहते हैं। आप अपने आप से खुश नहीं तो आप अपने नाखून चबाते हैं, जो लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद भी देता है। इस आदत में मुब्तला अफराद चूंकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी करने वाले होते हैं तो इस वजह से वो खुद से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन जब किसी वजह से ये तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो इन्हें अपने आप से शर्मिंदगी और मायूसी होने लगती है। नाज़रीन, नफ्सियाती मसला, जो लोग नाखून चबाते हैं कुछ लोग ये भी समझते हैं, माहरीन भी ये समझते हैं, उनको नफ्सियाती मसला है। नाखून कुतरने की आदत को नफ्सियाती मसले से भी जोड़ा जा सकता है। जब लोग बार बार किसी जहनी उलझन का शिकार होते हैं तो इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं। ये आदत देर पा वाके हुई है जिस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है। हमने आपको बताया कि नाखून कुतरने की आदत जो होती है वो साइंसी तरीके से डॉक्टर्स उसका माहरीन जो हैं वो किस तरह से उसको लेते हैं और क्या बताते हैं कि अगर आप नाखून कुतरते हैं तो आप गैर मामूली तौर पर सहीन होते हैं, अपने काम तेज़ी के साथ सर अंजाम देते हैं, और आखिर में माहरीन ये भी कहते हैं एक नफ्सियाती मसला बन जाता है। कभी कभार तो ये भी होता है जिस शख्स का आपको बहुत तेज़ी से इंतज़ार होता है आप नाखून कुतरते हुए उसका इंतज़ार करते हैं। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिन लोगों को नहीं पता कि नाखून कुतरने से क्या होता है उनको ज़रूर बताइएगा कि नाखून कुतरना जो है वो कुछ किसी हद तक जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो उसकी भी अलामत होती है कि आप बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।